नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डायोड्स के बारे में। तो अगर हम डायोड्स की बात करें तो हम इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे डायोड्स फॉर्म होते हैं और कैसे हम डायोड की बायसिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम डायोड्स की बात करेंगे तो हमारे पास कई तरह के डायोड्स होते हैं जिनको हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। जैसे कि आज हम बेसिकली बात करेंगे पी जंक्शन डायोड के बारे में। आगे भी हमें कई डायोड्स पढ़ने हैं, जैसे कि मुझे टनल डायोड में पढ़ना है, सिग्नल डायोड में पढ़ना है, एलईडी पढ़ना है, वो भी एक जंक्शन डायोड ही है, पी जंक्शन डायोड ही है। और ऐसे ही फोटो डायोड्स होते हैं, तो कई सारे डायोड्स हमें पढ़ना है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है डायोड का, वो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे डायोड्स फॉर्म होते हैं। तो अगर मैं डायोड्स के फॉर्मेशन के बारे में बात करूं, तो पहली जो तीन टेक्निक्स आती हैं हमारे डायोड फॉर्मेशन की, तो अगर मैं टेक्निक्स की बात करता हूं, तो पहली जो मेरी आती है टेक्निक, उसको हम बोलते हैं ग्रोन जंक्शन टेक्निक जो आती है। सेकेंड हमारी जो टेक्निक आती है वो आती है अलॉय की, और तीसरी हमारी आती है डिफ्यूजन की। तो तीन ये बेसिकली टेक्निक्स हैं कि कैसे हम अपने पीएन जंक्शन को फॉर्म करते हैं। पीएन जंक्शन फॉर्म होने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है और हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब मैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कह रहा हूं, तो यहां पर क्या मतलब है कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो जब मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात की, यानी कि मैंने कहा कि मेरे पास एक ट्राई वैलेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसको हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब मैं अगर कहूं कि ट्राई वैलेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल से मेरे पास कौन कौन से आते हैं, तो मेरे पास बोरॉन होता है, मेरे पास गैलियम होता है, मेरे पास बात करेंगे गैलियम हो गया, बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये सब हमारे ट्राई वैलेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, जिनको हम बेसिकली पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की, यानी कि ये कौन से होंगे, पेंटावैलेंट। ठीक है, ये पेंटावैलेंट होंगे। अब पेंटावैलेंट में अगर मैं बात करूं, तो पेंटावैलेंट में मेरे पास कौन कौन से मिलेंगे, जो कि आपके फिफ्थ ब्लॉक में मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में। जैसे कि हम बात करेंगे आर्सेनिक की, ठीक है, आर्सेनिक की, एंटीमनी जिसको हम Sb से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपका फॉस्फोरस हो गया। तो ये आपके जो मटेरियल्स है, इंडियम हो गया, ये सब जो आपके मटेरियल्स आते हैं वो होते हैं हमारे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का मतलब क्या है कि उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ट्राइवैलेंट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब हम इन दो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को क्या करते हैं, एक साथ फॉर्म करते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं एक हिसाब से। ठीक है, वो जोड़ने की तीन टेक्निक से आपने हमने बताई, एक ग्रोन, एक अलॉय या डिफ्यूजन, ये तीन अलग अलग प्रोसेस हैं जिससे हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जब आप एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी ट्राइवैलेंट जो मेरा सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसके साथ में फॉर्म कराते हैं, तो जहां पर ये दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो यहां पर अगर आप ये देखेंगे, तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, फॉर्म एक जंक्शन। ठीक है, अब ये जंक्शन फॉर्म हुआ। और दूसरी चीज, यहां पर जो मेरा पी साइड है, इस वाले टर्मिनल को मैं क्या बोलता हूं, एनोड, और एन वाले टर्मिनल को मैं क्या बोलूंगा, कैथोड। ठीक है, कैथोड। अब देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की हमने बात की है, तो यहां पर मेरे पास एक्सेस नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, या होल्स। पी में होते हैं हमारे पास होल्स, तो होल्स की मैं बात करूं, तो ये हो गए हमारे पास होल्स। मान लीजिए मैंने एक्सेस नंबर ऑफ होल्स रैंडम बना लिए। और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेरे पास क्या होंगे, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। ठीक है, अब जब आपने इन दो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को चूज किया, जब इनको आपने करा, तो बेसिकली होगा, अब मैं देखिए यहाँ पर चार्जेस की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पर इनके पास चार्जेस कौन से होंगे, अगर ये होल है तो यहाँ पर इसके पास नेगेटिव चार्जेस होंगे, नेगेटिव आयन्स होंगे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए उनको बनाते हैं जल्दी के साथ में। और यहाँ पर इनके पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आयन्स हो गए। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन्स इनके पास है।
तो अब होगा क्या, जब ये जंक्शन फॉर्म हुआ तब ये करेंगे क्या, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द होल, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इन होल के साथ क्या करना चाहेंगे, रिकम्बाइन। तो ये आपके जो एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किधर को मूव करेंगे, पी साइड में, और आपके जो होल है वो मूव करेंगे एन साइड में। ऐसे ही जंक्शन के पास के जितने भी इलेक्ट्रॉन और होल हैं वो रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स आपके आना चाहेंगे पी साइड में और आपके होल जाना चाहेंगे एन साइड में, क्यों, क्योंकि रिकम्बाइन करना चाहेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन होगा क्या कि अब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन आकर के एन साइड में पी साइड में एक होल के साथ रिकम्बाइन कर लेगा। जब ये रिकम्बाइन कर लेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल तो खत्म हो गए, रिकम्बाइन कर गए, लेकिन ये चार्जेस यहाँ पर क्या कर जाता है, जंक्शन के पास में डिप्लीट हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब ये जो आपके चार्जेस यहाँ पर जंक्शन के पास में, जहां पे आपका जंक्शन फॉर्म हुआ था, इस जंक्शन के फॉर्म में ये चार्जेस इकट्ठे होते रहते हैं। अब ये चार्जेस इकट्ठे होते रहते हैं तो इनकी वजह से होता क्या है, होता ये है कि अब मान लिया कि मेरे जंक्शन के पास में, अब जैसे ये हमने बना रखा है कि दो लेयर बनाए हैं, तीन लेयर बनाए हैं, ऐसे कई सारे होंगे जितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन था वो हो गया। अब होगा क्या, अब ये चार्जेस जो इस डिप्लीशन लेयर के पास में ये बचे हुए हैं, अब ये करेंगे क्या, अब ये जो इमोबिल आयंस हैं ये होगा ये कि अब जब फर्दर ये इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में आना चाहेगा, होल से रिकम्बाइन करना चाहेगा, तो ये सेम आयंस है यानी कि सेम चार्जेस से रिपेल होगा, यानी अब ये एन साइड को ही क्रॉस नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही क्या होगा कि अब ये होल एन साइड में जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करना चाहेगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्जेस से रिपेल होंगे और ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो यहां पर होगा क्या कि जंक्शन के पास में जो एक आयंस की लेयर इकट्ठी हुई थी ये क्या कर रही है, इसका मतलब एक फील्ड डेवलप कर रही है। अब फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब यहां पर मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस कहां पर है, पॉजिटिव आयंस इमोबिल आयंस कहां है, एन साइड में, तो यानी कि मेरी जो फील्ड डेवलप हुई वो कहां से, एन से पी साइड में मेरी एक फील्ड डेवलप हो गई इमोबिल आयंस की वजह से। अब यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन होल का फर्दर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर सकते। तो ये मेरा हो गया पीएन जंक्शन, अब फॉर्म हो गया। अभी तक हमने जो भी बात की वो इलेक्ट्रॉन और होल डिफ्यूज कर रहे थे, तो यहां पर एक माइन्यूट करंट बहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट, जो कि इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन की वजह से फ्लो होती है इस डायोड्स में नॉर्मल। अभी हमने कोई बायसिंग नहीं की थी, ये जब जंक्शन फॉर्म हुआ तभी का सारा ये कंस्ट्रक्शन हुआ। अब ये जो फील्ड डेवलप हुई इसको हमने क्या कहा कि ये है एक बैरियर फील्ड, इस बैरियर स्ट्रेंथ फील्ड। अब इस फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये होती है लगभग 10 to the power 7 वोल्ट पर मीटर की स्ट्रेंथ होती है इसकी। अब इस जो रीजन जहां पे इमोबिल आयन इकट्ठे हुए हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस, या अभी कैपेसिटेंस की बात नहीं करते हैं, अभी बताऊंगा मैं इसको कैपेसिटेंस की बात में कब करेंगे। तो यहां पे मैं शायद इसको बस सिंपली स्पेस चार्ज रीजन, या इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन, ठीक है, इसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। अब इसकी विड्थ की बात करें तो ये बहुत कम होती है, इस विड्थ की बात करें इसकी तो 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक इसकी विड्थ वेरी कर सकती है, किसकी, डिप्लीशन लेयर की या डिप्लीशन रीजन की। अब देखिए यहां पर जो हमारा पी और एन साइड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज हैं उनका जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब देखिए उसको रिलेट करेंगे इस एनर्जी को, इस एनर्जी डिफरेंस को, तो ये रिलेटेड होती है ईवीबी से। वीबी यहां पर बेसिकली क्या है, वीबी यहां पर बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल क्या है, इस डिप्लीशन लेयर में जो फील्ड डेवलप हुई है
क्या जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है जिसके कारण से अब ये इलेक्ट्रॉन और होल का फर्दर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन होल के फर्दर रिकॉम्बिनेशन कराने के लिए जो पोटेंशियल हमें अप्लाई करना होगा इस फील्ड को खत्म करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल, यानी कि बीबी, यानी कि ईबी की वैल्यू हो गई ईबीबी। इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन हमें बताएगा कि कितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में आ सके। यही एनर्जी हमारे पास होगी, ये जो पी साइड में अप्लाई करेंगे तब हमारा एक होल एन साइड में जा सकता है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है फर्दर इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन के लिए। तो ये हमारा हो गया बेसिकली कैसे पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। मैं लास्ट में बता देना चाहूंगा कि इसका सिंबल कैसे बनाते हैं। तो पी साइड को ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं और एन साइड को ऐसे लाइन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। तो ये हो गया कि कैसे पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। ऐसे ही लगभग सारे डायोड्स के जो कंस्ट्रक्शन है बेसिक ऐसे ही होता है। और अगले वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड्स की अब हम जो बायसिंग करते हैं वो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में कैसे वर्क करता है या बिहेव करता है। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।